सेफ्टी ऑफिसर का जॉब एक ऐसा जॉब है जो आपको एक अच्छी सैलरी दिलाता है। इसे आप 10वीं के बाद, 12वीं के बाद आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए, अगर इंडिया की बात करें, बाहर के देशों की बात करें, तो यहाँ पर इस कोर्सों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। यानी यूं कहा जाए कि इनकी सैलरी लगभग लाखों में आती है। तो अगर आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आप कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का कोर्स करते हैं, तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एक बेहतर संभावना मिलती है, एक बेहतर रास्ता मिलता है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स काफ़ी फायदेमंद होता है जो सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करना चाहते हैं। यदि आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास कर लिया है तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। यह कोर्स बहुत ही आराम का होता है, अच्छी सैलरी होती है और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आप कोई ड्यूटी करते हैं, बाहर रह करके नौकरी करते हैं, तब भी वहाँ से अपने काम को करते हुए, अपनी जॉब को पूरा करते हुए आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो दो तरह की कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और दूसरी कैटेगरी जो होती है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। ये दोनों ही का जो बेस होता है इन दोनों कोर्सों का वह इंडस्ट्रियल बेस होता है। तो अगर आप की इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, बहुत अच्छी है, तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में एक बार जरूर कंसीडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी सैलरी, एक मोटी रकम हर महीने आपके पॉकेट में आए, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड का जो ये सेफ्टी का कोर्स है ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब ये सवाल उठता है कि इस कोर्स को हम कैसे करें, कहाँ से करें, कितना वक्त लगेगा। तो इस कोर्स को आप SST इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर मोड में ऑनलाइन कोर्स की सुविधा उपलब्ध होती है। बहुत ही आसानी से इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर आपको पास आउट करने होते हैं। जैसे ही आप 4 सेमेस्टर पास आउट करते हैं तो आपके पास एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट आ जाता है। फर्स्ट एड की आपको ट्रेनिंग मिल जाती है और फिर आप किसी भी MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं। तो आज आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया डेवलप कर रही है और हर जगह कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। आप इंडिया में कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप जा करके HSC ऑफिसर बन सकते हैं, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। बाहर के देशों में अगर आप जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी कॉलेज आपकी काफ़ी मदद करता है। कॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जॉब प्रोफाइलिंग करा देता है, जिससे कि आपकी जो प्रोफाइल है वह दुनिया के उन बेहतरीन तमाम कंपनियों में चली जाती है जहां से कॉल आपको डायरेक्ट आते हैं। ना तो इसमें कोई चिटिंग हो पाती है, ना कोई आपको पैसा देना होता है, ना ही कोई आपको पैसा भरना होता है। आपको अपनी काबिलियत के अनुसार आपको जॉब मिल जाता है और उस जॉब के बीच में सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक तो कैंडिडेट आप होते हैं और दूसरी कंपनी होती है, इसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये सेफ्टी का कोर्स जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हमने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई किया है, इंटर तक पढ़ाई नहीं किया। देखो, हाई स्कूल तक अगर आपने पढ़ाई किया तो आपके कोर्स तो होंगे, डिप्लोमा लेवल के कोर्स होंगे, बट उनका लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर 10+2 पे आपने कोर्स किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनेजमेंट का कोर्स जरूर करें। हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं। यह दो ऐसे कोर्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज हजारों की संख्या में SSTN यानी SST इंस्टीट्यूट से पास आउट कैंडिडेट पूरी दुनिया में जॉब कर रहे हैं एक अच्छी सैलरी के साथ। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। एक बार जरूर आप कंसिडर करेंगे कि हमें सेफ्टी ऑफिसर के जॉब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पैसे के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सैलरी भी अच्छी होती है, आराम की नौकरी होती है, कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। जो भी वर्क होता है वो आपके पेपर वर्क होते हैं और वो पेपर वर्क बहुत ही आसान होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। यदि आपने 1 साल का टाइम दिया तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन आप अपना 5 मिनट में बुक कर सकते हैं।
सबसे पहले आप कॉलेज की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहां कोर्स को देख लें, कोर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहीं से आप अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं, आप यूपीआई से जमा कर सकते हैं, फोन पे से जमा कर सकते हैं, गूगल पे से जमा कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो ब्रांच पर भी जाकर के अपना कोर्स फीस जमा कर सकते हैं। तो आपको एक बेहतरीन मौका मिल जाता है और बेहतरीन मौके के साथ साथ आप मात्र 5 मिनट के अंदर अपना कोर्स बुक करने के बाद क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय आपको काफी कोर्स ऑफर मिल जाएंगे, ये ऑफर आपको कॉलेज के द्वारा जानकारी हो पाएगा, आप कॉलेज में कॉल करके या फिर वहां विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और आप अपने करियर को एक निश्चित दिशा देने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।